close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. तो गाइस स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक नए दिन और एक नए ब्लॉग के साथ. और चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग न्यू नोटिफिकेशन. मॉर्निंग में आज हो चुका है हमारा पॉलिटी का 2 क्लास कंप्लीट. उसके बाद अभी सारे लोग बैठे हुए हैं क्योंकि हम लोगों ने आज मॉर्निंग में खाना बनाया नहीं था. मॉर्निंग में सोचा था कि सबसे पहले क्लास कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद फिर आराम से बनाया जाए. तो अभी लगभग 12 बज रहे हैं और अभी हम लोगों ने खाने में बनाना स्टार्ट करा है. टमाटर और प्याज की सब्जी है यहाँ पे, तो मिला के हम लोग इसको बना रहे हैं. और यहाँ पे अभी जब तक सब्जी वगैरह बन रहा है ये आप देख लो, अतुल भैया अभी तैयार हो चुके हैं कोचिंग वगैरह जाने के लिए. लगभग हमारी जो सब्जियाँ हैं वो तो तैयार हैं यहाँ पे. और अभी चाहिए मुझे धनिया. धनिया धनिया किधर है यार? धनिया धनिया किधर है तू? आजा. और ये है धनिया जो कि निकाल लेता हूँ मैं. गल गया अतुल भैया धनिया तो सारा. क्लास करने के चक्कर में अभी तक खाना बना भी नहीं है. चावल वगैरह सब ऐसे ही रखे हुए हैं. और अभी अतुल भैया को जाना है 15 से 20 मिनट में क्लास करने के लिए, नहीं तो आज हो जाने वाला है लेट. सो अभी मेरे पास लास्टली कोई ऑप्शन नहीं है. मैं इसका गैस डायरेक्टली अभी निकालने वाला हूँ. सब्जी तो हमारी हो गई है लेकिन अब चावल पकाना है क्योंकि वो शख्स को निकलना है. अभी तैयार होकर बैठे हुए हैं और इसलिए अभी मैं गैस को अभी निकाल रहा हूँ. पता नहीं. अबे निकल जा भाई. आई थिंक होप शो कि पक गया वो सब्जी. कुछ ज्यादा गैस नहीं है यार इसमें. फाइनली गाइस मैं हटा रहा हूँ इसको. मुझे पता नहीं, फिलहाल सब्जी तो देखने से तो लग रही है कि पकी हुई है. अंदर में वो तो खाने के बाद ही है, बताने वाले हैं कि कैसा बनेगा. अब चावल निकालना है. सब्जी तो पक गया यार. जो आज धूप उगी है वो काफी अच्छी उगी है कुछ. और ये क्या हो रहा है यहाँ पे? लगभग एक के जी अभी है ये. हाँ एक के जी. ठीक है. हाँ ठीक. फिलहाल गाइस ये है हमारा इस मंथ का राशन. आटा, चीनी, रिफाइंड तेल और ये दूध जो कि रेगुलर वे में हम लोग लेते हैं. यहाँ सबसे बढ़िया बात यह है ना कि आप ग्रॉसरी में चाहे जो लेना है आप ले लो. नॉर्मली वो आपको होम डिलीवरी कर ही देते हैं. अमेजोन है यहाँ पे और भी बहुत सारे साइट्स हैं, बट मैं अमेजोन से मंगाता हूँ, मुझे ज़्यादा बेटर लगता है. ये रहा हमारा 5 kg आटा. एक बार देख लूँ बस. थोड़ा सा क्या होता है ना यार कि लास्ट टाइम मैंने ऑर्डर करा था ना तो फटा हुआ मिल जाता है कभी कभार इन लोगों का, तो थोड़ा सा कंप्लेन अगर आप कर दोगे ना तो वो इस बार सही दिए हैं इन्होंने. उसके बाद साथ में है ये 1 लीटर दूध. ये है मस्टर्ड ऑयल, ये मुझे सस्ता पड़ गया इस पर. और लगभग ये फॉर्च्यून 1 लीटर ऑयल, 1 मंथ 1.5 मंथ के लिए काफ़ी है ये दोनों. प्लस ये चीनी. अब इसको जल्दी से अरेंज कर देते हैं. ये हमने मंगाया है 1 kg चीनी और ये सल्फरलेस रिफाइंड शुगर है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा वाइट आपको लग रहा होगा ये. और इसका जो टेस्ट होता है ना बाकी नॉर्मल चीनी से बढ़िया होता है. हम जा रहे हैं मार्केट. सडन हमारा प्लान चेंज हो चुका है. अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कि पोहा का आइटम बन रहा था पोहा, और सडन हमारा प्लान अब पास्ता पे हो गया. सो हम जा रहे हैं पास्ता खाने. अभी मैं आपको चूहा दिखाता हूँ. चूहा देखा है? थोड़ा सा डालो अतुल भैया चावल.
हेल्प करना भी जरूरी है। सो गाइस अभी बाहर आए हुए हैं शॉप में और ये हमारा जो पास्ता है वो आप देख सकते हो कि वहाँ पे आ रहा है। ये चावल के बहुत सारे वेराइटीज, ये डॉग है, आगे कुत्ता है और अतुल भैया को इससे डर लग रहा है। क्या अतुल भैया, क्यों डर लग रहा है आपको? चलिए चलिए, हम है ना, टेंशन क्यों ले रहे हैं भाई, जाना टेंशन नहीं लीजिए, हम है ना। आगे आगे आप देखो, फिर से गली में दो तीन कुत्ते हैं और अतुल भैया को डर लग रहा है। देख, अच्छा ठीक है, आगे आगे जो आएगा ना फिर हम दिखाते हैं। सब देखना, सब आगे मैं दिखाने वाला हूँ। आगे तो है नहीं कोई कुत्ता, है ना, हमको पता है। देखिए अब इनको डर लग रहा है इसलिए चिपक के आगे मेरे पास। ठीक ठीक ठीक, चलिए ठीक, हाँ चलिए चलिए चलिए, दिखाएंगे कैमरा। हाँ ठीक है, देखिए डर के भाग रही है। अब इतना भी डरना नहीं है, मत डरिए, घर पे वापस और थोड़ा सा हाथ दिखाइए। और सैफ अतुल जी अपने कार्य को कार्यान्वित कर रहे हैं। और हम लोगों का पहले प्लान था पोहा बनाने का, लेकिन पोहा से पुलाव नहीं, क्या बना, पोहा से क्या बोला था, पोहा से पास्ता। सो पोहा से पास्ता कब बन गया हम लोगों को पता नहीं चला। सर पास्ता बनता है गाइस, मेरे पास थोड़ा सा वीडियोस है पुराना, मैं एडिट कर लेता हूँ उसे जल्दी जल्दी सा, और क्योंकि ऑन द टाइम 8 बजे फिर डालना है और मेरे पास कुछ है नहीं, क्योंकि मॉर्निंग में कर रहा था मैं क्लास, इसके बाद फिर मुझे करना है ज्योग्राफी। मेनली जो हमारा पास्ता है वो बन के तैयार है और आज के पास्ता मास्टर हैं अतुल भैया, जो कि ऑल टाइम पास्ता मास्टर है एक्चुअली, हर बार तो वही बनाते हैं। हाँ बात तो सही है, पास्ता वही टेस्टी भी बनाते हैं ना। तो आपने पास्ता का कोर्स कहाँ से किया? तो ब्लॉग बनावे के चक्कर में बोल तो दोगे भाई टेस्टी बना है। अरे नहीं नहीं, अब सही बात है, आप कुत्ता से डरते हैं तो उसमें आप पूरा मान लिए, कुत्ता से डरता है। तब आपने पास्ता बनाना कहाँ से सीखा सर? चलिए ठीक है, हम आपको इंटरव्यू ले रहे हैं। क्या है, कहीं से देखे नहीं है भाई, अपने हिसाब से। कहाँ से, कहाँ से चेपे हैं? अगर बस से बना है, अगर उत्तर प्रदेश के लैंग्वेज में बोले तो कहाँ से चेपे हैं गुरु? तो की करे आज से हरियाणवी या पंजाबी? बिहार इज बिहार। की करे आज से बिहार में कहाँ बोलता है? की करे छे, के करे छे, भागलपुरिया। पास्ता भी रेडी है और अतुल भैया और भैया में बात चल रहा है कि नमक, दिस इज कंटेंट मटेरियल सॉरी, अभी नमक की बात चल रही थी यहाँ पे। तो ये हमारा पास्ता है और इसमें हम लोगों ने ऊपर से भी नमक डाला है, क्योंकि अभी अतुल भैया का कहना था, अभी अतुल भैया मेरे लिए परफेक्ट है। अरे लाओ नहीं यार, जैसे बौखलाहट देख रहा है तो इतना बौखलाहट कब होता है जब कम रहे। ऐसे भी खा सकते हैं, ठीक है, खाइए नहीं यार, हल्का सा कम है। देखिए नमक हम टेस्ट किए, इसका हल्का सा कम लगा हमको, इसलिए हम ऊपर में डाल दिए। सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं आज का। Hold me close till I get